सलाम अलैकुम मेरे बच्चों, मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों? सैयद हुज़ैफ़ा समी 96 अलार्ड सलाम अलैकुम जी, मेरी आवाज आ रही है मेरे बच्चों? ये चल नहीं रहा क्या? चले जी सर, बैठ जाएं, जरा स्टार्ट करें, अल्लाह का नाम लेके हम। वेबकैम नहीं चल रहा यार, ये बंद है क्या? ये बंद है, चला चलो बेटा चलाते हैं, जरा बैठ जाओ एक मिनट। अच्छा जी सर, आज हमने सर लास्ट क्लास में मटेरियल के वैरेंसेस देख लिए थे, लेबर के वैरेंसेस देख लिए थे, वेरिएबल ओवरहेड के वैरेंसेस देख लेते, याद है? हमने आज फिक्स्ड ओवरहेड के वेरियंसेस को काफी डिटेल में देखना है, ठीक ठाक डिटेल में देखना है, मतलब दिमाग हाजिर रखिएगा। बड़े अल्लाह का नाम ले, स्टार्ट करें। क्या चाह रहा भाई तू, ना करें? अच्छा यार, एक काम करेगा सकलैन, यहाँ हैदर बैठा होगा या कोई भी बैठा, उसको बोलो सर बोलो कैमरा नहीं चला, जल्दी से शोर आ रहा है आवाज में, हवा की आवाज आ रही है। अब सही है, जी अब सही है, अब सही है, पक्का सही है, बेहतर है। ये कैमरा क्यों बंद हो गया? लग गया, अच्छा जी सर प्लीज बोर्ड पे देखिएगा। देखिए सबसे पहले जब हम साल स्टार्ट होता है ना, हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम फिक्स्ड ओवरहेड्स को बजट करते हैं। बेटा बोर्ड पे देखना, 16-16 नंबर के सवाल सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस पे हैं, 16-16 मार्क्स के सवाल, ठीक है? जरा इसको ध्यान से देखना, ये मुश्किल है और लोग अक्सर और बेशतर जिस एरिया में फंसते हैं ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, वो दो एरियाज हैं, एक ये एक मिक्स और यील्ड वेरिएंस, ठीक है जी? इसको तरीके से तमीज से मैं पूरा दिन आज इस पे लगा दूंगा, जो दो घंटे की क्लास है इसी पे लगाऊंगा मैं, इन पांच वेरिएंसेस के ऊपर, लेकिन तमीज से इसको हम सीखेंगे। मुझे पता है सर मेरे पास बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है, डे वन पे जब बजट कर रहा हूं, अज्यूम करो 2 लाख रुपए का फिक्स्ड ओवरहेड है जो मैंने डे वन पे बजट किया, डन। सर मैंने साथ में ये बजट किया कि पूरे साल में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, तो मेरे दिल ने कहा कि पूरे साल में 10,000 यूनिट प्रोड्यूस होंगे और 10,000 यूनिट हम बेचेंगे, क्योंकि हमारी हिस्ट्री ये कहती है कि हमने 10,000 यूनिट जो है वो पास में बनाए, ठीक है जी? ठीक है जी, अब मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास 2 लाख रुपए का बजटेड फिक्स ओवरहेड, 10,000 यूनिट, साथ में मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक यूनिट पे स्टैंडर्ड आर्स, एक यूनिट पे स्टैंडर्ड आर्स लगते हैं 4, कितने? 4 घंटे लगते हैं एक यूनिट बनाने पे। गौर से देखो, 2 लाख रुपए का फिक्स ओवरहेड में साल के स्टार्ट पे बजट कर रहा हूं, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, मैंने पूरे साल में 10,000 यूनिट बनाने, सीधी बात है, एक यूनिट बनाने पे 4 घंटे लगते हैं आम तौर पे, डन। अब पूरे साल सर काम होता रहा, पता चला साल के एंड पे आके कि कंपनी ने एक्चुअल में 2,15,000 रुपए का खर्चा कर दिया, खर्चा औकात से ज्यादा हो गया, यूनिट भी हमने सर 9,600 ही बनाए 10,000 की जगह, यहां भी गलती कर दी सर, और हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ वार्स है, टोटल नंबर ऑफ वार्स सर वो 38,200 घंटे हमने काम किया, 38,200 घंटे। क्या आपने बजट के मुकाबले में एक्सपेंस ज्यादा किया? यस सर। क्या आपने यूनिट्स भी कम प्रोड्यूस किया? तो दोनों जगह से लानत पड़ रही है हमें,
और सर एक यूनिट बनाने पे 4 घंटे लगते हैं, हमने 9600 यूनिट बनाने पे टोटल 38,200 आवर्स लगा दिए। आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि ये सब कुछ देखने के बाद बताओ कंपनी को कितने का नुकसान हुआ, ये सारी चीजें देखने के बाद असेस करो कि कंपनी को कितने का नुकसान हुआ है और इसके लिए जिम्मेदार कौन कौन है, गौर से देखना। मुझे बताओ सर, जब मैंने डे वन के फिक्स ओवरहेड को बजट किया था 2 लाख रुपए और मैंने डे वन के सोचा था कि मैं 10,000 यूनिट्स बनाऊंगा, तो उस वक्त मेरे जहन में ये था कि जितने भी यूनिट बनेंगे हर एक यूनिट पे मैं फिक्स ओवरहेड एलोकेट करूंगा कितने का, 20 रुपए का। यानी सर मैं हर एक यूनिट से 20 रुपए का फिक्स ओवरहेड रिकवर करूंगा, मैं जिस कस्टमर को यूनिट बेचूंगा मटेरियल के पैसे भी लूंगा उससे, लेबर के पैसे भी लूंगा उससे, वेरिएबल ओवरहेड के पैसे भी लूंगा और साथ ही साथ फिक्स ओवरहेड के नाम पे भी 20 रुपए उससे रिकवर करूंगा। तो मुझे एक बात बता, 20 रुपए का मेरे पास एक यूनिट का फिक्स ओवरहेड आ गया, सर पूरे साल में मैंने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, कितने, 9600 कितने प्रोड्यूस किए, 9600। तो अगर मैं तुमसे पूछूं के बताओ मेरे बच्चों मैंने कितने रुपए का फिक्स ओवरहेड अपने कस्टमर से यूनिट में डाल के ये पैसा रिकवर किया, कितने रुपए की रिकवरी हुई है, रिकवर्ड ओवरहेड्स कितने सर, 9600 मल्टीप्लाई बाय 20 रुपए कितने, 1,92,000 रुपए। क्या आपने अपने कस्टमर से 1,92,000 रुपए रिकवर किया, कैसे, हर एक यूनिट को 20 रुपए एलोकेट किया, कब पैसे रिकवर करते रहे, पता चला साल के अंत तक हमने 192,000 रिकवर कर लिए थे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 192 रिकवर किए, खर्चा आपने कितने का किया, खुद कितने रुपए का खर्चा किया आपने, सर मैंने 2,15,000 का खर्चा कर दिया। आपको नहीं लगता आपने कम पैसे रिकवर किए, आपको नहीं लगता जितना आपका खर्चा हुआ उसके मुकाबले में रिकवरी कम हुई है, कितनी, 23,000 रुपीज का मुझे लॉस हुआ है। और मुझे बताओ इस लॉस का प्रेडोमिनेंट रीजन क्या है, एक तो खर्चा आपने 2 लाख की जगह 2,15 कर दिया, ठीक है जी, और आपने 10,000 की जगह 9,600 यूनिट बनाए, तो इसकी वजह से सर अगर मैं यूनिट भी 10,000 बनाता, खर्चा भी 2 लाख ही करता, तो मेरे रिकवर्ड ओवरहेड्स भी 2 लाख होते और एक्चुअल कॉस्ट भी 2 लाख होती, जिंदगी सुकून में होती। मुझे बताओ गलती क्या हुई है, गलती है वो मुझे नहीं था पता कि साल के एंड में खर्चा बढ़ जाएगा, मुझे ये भी नहीं था पता कि साल के एंड में 10,000 यूनिट नहीं प्रोड्यूस कर पाऊंगा ऐसा। अब बताओ इस 23,000 के 2 रीजन है, मेरे बच्चों बोर्ड पे देखना, इस 23,000 के 2 रीजन है। सबसे पहले एक्सपेंडिचर वेरियंस, सर जहां खर्चा 2 लाख का होना था वहां खर्चा 2,15 का हो गया, कितने रुपए का एक्सेस खर्चा हुआ, 15,000 का ऐसा। यार मुझे एक चीज बताओ, मैं बहुत टेक्निकल सवाल तुमसे पूछने जा रहा हूं बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर, आपको नहीं लगता ये कंपैरिजन गलत है 2 लाख और 2,15 का है, क्योंकि 2 लाख रुपए की कॉस्ट तो 10,000 यूनिट के लिए थी, आपने तो यूनिट कम बनाए, तो दिस बजट शुड हैव बीन फ्लेक्स्ड। सर फिक्स्ड ओवरहेड है, इसको हम फ्लेक्स नहीं करेंगे, चाहे यूनिट बने या ना बने खर्चा 2 लाख ही होना चाहिए था, 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए था, 2 लाख से कम भी नहीं होना चाहिए था, कम यूनिट प्रोड्यूस करके खर्चा कम नहीं होगा, फिक्स ओवरहेड कभी भी नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ चेंज नहीं होता, इसके हम कभी भी याद रखना, जब एक्सपेंडिचर बैलेंस निकालेंगे हम सीधा सीधा बजटेड एक्सपेंस उठाएंगे, सीधा सीधा एक्चुअल एक्सपेंस उठाएंगे और दोनों को कंपेयर कर देंगे, ठीक है जी। याद रखना फिक्स ओवरहेड कभी भी यूनिट कम करने से कम नहीं होता, यूनिट बढ़ाने से बढ़ता नहीं है, तो जब आप एक्सपेंडिचर बैलेंस निकालेंगे यू विल सिंपली हैव टू कंपेयर द बजटेड एक्सपेंडिचर विद द एक्चुअल एक्सपेंडिचर, डन। दूसरा मेरा सवाल है सर, सवाल है जी, बोलो तुमसे पूछ रहा हूं, सवाल है कोई नहीं, अच्छा एक्सपेंडिचर वेरियंस के बाद मेरा बच्चा वॉल्यूम वेरियंस, गौर से सुनो सारा खेल आज वॉल्यूम वेरियंस का, कितने यूनिट बनाने थे आपने, कितने बना दिए, 9,600। मुझे बताओ कितने कम प्रोड्यूस किए, अंडर प्रोडक्शन है कितने की, आपको नहीं लगता है 400 प्रोड्यूस होते हैं तो कस्टमर से और फिक्स ओवरहेड रिकवर हो जाता, ऐसा अंडर प्रोडक्शन लेड टू अंडर रिकवरी, ये और प्रोड्यूस हो जाते 400 यूनिट हम और कस्टमर से रिकवर कर लेते, सर हर यूनिट पे हम 20 रुपए का ओवरहेड रिकवर कर रहे थे, वी शुड हैव रिकवर्ड सर कितने, 8,000 रुपए रिकवर और हो सकते थे, कम प्रोडक्शन की वजह से रिकवर नहीं हुए, सर ओवर एक्सपेंडिचर की वजह से 15,000 का नुकसान, अंडर प्रोडक्शन की वजह से 8,000 का नुकसान, नुकसान कैसे सर, सीधी बात है भाई, अगर ये यूनिट्स प्रोड्यूस हो जाते तो मैं कस्टमर से ये पैसे और रिकवर कर लेता, नहीं कर सका क्योंकि यूनिट प्रोड्यूस
नहीं हो सके। सर 15,000 रुपए का खर्चा एक तरफ ज्यादा भी हो गया, फिर जो सोचे थे यूनिट्स वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो डबल नुकसान। टोटल नुकसान कितना सर? अच्छा सर, अभी एक बच्चा कह रहा है कि सर देखें तो पॉजिटिव आ रहा है। देखो याद रखो, मैं इसीलिए लॉजिक क्लियर करवाऊंगा ताकि मैकेनिक्स की हम मतलब मैकेनिक्स के पीछे ना भागें। मुझे एक बात बताएं, आपको लगता है कि वॉल्यूम वेरिएंस एक फेवरेबल वेरिएंस है जो करंट स्टेट में? नहीं सर। क्यों फेवरेबल नहीं? याद रखना कॉस्ट के सारे वेरिएंसेस जब नेगेटिव आ रहे होंगे तो इसका मतलब हमने गलत काम किया, सिवाय एक वेरियंस के। कौन सा? वॉल्यूम वेरियंस। ठीक है जी, कौन सा वेरियंस? वॉल्यूम वेरियंस। देखो अभी साइन का मोहताज नहीं बनो, तुम्हें ऑन द स्पॉट समझ आ जाना चाहिए बगैर तुम्हें याद किए कि मैं 10 प्रोड्यूस करने 9,600 प्रोड्यूस किया तो यार लॉस किया कंपनी का। ठीक है जी। अच्छा अब सुनो 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 सुनो, अब ये तो एनालिसिस हो गया एक आम आदमी का। एक आम आदमी ने देखा भाई 23,000 का लॉस हुआ, 15,000 खर्चा बढ़ने की वजह से हो गया और 8,000 रुपए किस वजह से हो गए? यूनिट्स की वजह से। अब बैठा एक एक्सपर्ट आदमी, उसने कहा यार ये वॉल्यूम जो कम प्रोड्यूस हुआ ये क्यों कम प्रोड्यूस हुआ, आखिर क्या रीजन थी, क्या फैक्टर था कि कम यूनिट्स प्रोड्यूस किए? तो बताओ हम आमतौर पे किस फैक्टर को कसूरवार ठहराते? लेबर को। हम कहेंगे बुलाओ इन मनुष्यों को, बुलाओ इन हरामखोरों को, खड़ा करो जरा सामने इनको। सुनो 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 सुनो, हमने एक मैट्रिक्स बनाया, इस मैट्रिक्स का नाम है इनपुट। जिसको ये मैट्रिक्स समझ आ गया गेम ओवर हो गई, कहानी कहानी खत्म। सुनो प्यारे बच्चों, ताबिश उमर जितेश बोर्ड पे देख रहे हैं मेरे बच्चों, मेरा सवाल है कि कितने घंटे मजदूर को साल में आना था, कितने घंटे ऑफिस आना था, फैक्ट्री आना था? सर मजदूर वॉज सपोज टू प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स एंड हर यूनिट पे 4 घंटे लगने थे, तो मजदूर को प्रेजेंट रहना था 40,000 घंटे, उसको आना था 40,000 घंटे, और बगैर हरामखोरी के, बगैर ऊट पटांग हरकतों के, बगैर टाइम खोटी किए सर उसको 40,000 घंटों में प्रोडक्टिव भी रहना था। ऐसा 40,000 घंटे आना था और टाइम वेस्ट नहीं करना था, पूरे 40,000 घंटों में 40,000 घंटों का ही काम करना था। यानी 10,000 यूनिट बनाने के लिए आपको कितने घंटे काम करना पड़ रहा है? सर अगर मैं 10,000 यूनिट बना लिए, एक यूनिट 4 घंटों में बनता है, तो मैं कहूंगा मैंने 40,000 घंटों का काम कर दिया। बता इस बंदे ने कितने यूनिट बनाए? 9,600। बनाने कितने थे इसको? 10,000। मेरा सवाल है बताओ, पहले बताओ इस बंदे ने कितने घंटे काम किया है, आया कितने घंटे, आया कितने घंटे, पहले इस मनुष्य का ये बताओ कितने घंटे आया? 38,200 घंटे। कितने घंटे आया ये? 38,200 घंटे। सर ये आया 38,200 घंटे। यूनिट कितने बना? यूनिट, और हर यूनिट कितने घंटे में बन जाता? 4 घंटे में। बताओ इस बंदे ने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए? 9,600। 4 घंटे के हिसाब से देखो इस बंदे ने कितने घंटे का काम किया? 38,400 घंटे का पक्का? सर अगर मैं इसको जरा सा चेंज करके ये कर दूं कि इसको मैं कर दूं 38,600, ठीक है, ताकि सवाल में जरा मजा आए ना, मैं कहूं ये आया 38,600 घंटे और काम कितने घंटों का किया? 38,400 घंटे। और सुनो और सुनो, अभी कोई मैट्रिक्स हमारे सामने आ गया, बता बंदे को आना कितने घंटे था? 40,000 घंटे। काम कितने घंटों का करना था? 40,000 घंटों का। एक तो ये मनुष्य का बच्चा आया सिर्फ 38,600 घंटे, यानी इस बंदे ने रख के टुल्ले मारे। कितने टुल्ले मारे? कितने टुल्ले मारे? 1400 घंटे टुल्ले मारे। कितने? 1400 घंटे टुल्ले मारे। आने कितने थे? 40,000 घंटे। आया कितने? 38,600 घंटे। 1400 घंटे आया ही नहीं। अच्छा आया कितने घंटे? 38,000। तो इसमें काम भी 38,600 घंटों का करता ना, इसने काम कितने घंटों का किया? 38,400 घंटे का। तो इसका मतलब है इस बंदे ने 200 घंटे हरामखोरी की। ऐसा पहले बताओ आने कितने घंटे था? 40,000। काम भी कितने घंटों का करना था? 40,000। आया कितने घंटे? 38,400 घंटे। 1400 घंटे रख के टुल्ले, फिर
उसके बाद आया जब बढ़ते था 600 आ गया मनुष्य आदमी, तो फिर काम भी दो तरह का कर देना सर, काम भी हमने ठंड मचा के किया, 200 घंटे सुट्टा सिगरेट शीशा डब्बू ये ब्रेक ब्रेक लिए हमने, 200 घंटे इसमें जाया कर दी। एक बात बताओ, एक यूनिट पे कितने रुपए का ओआर एलोकेट होता है? एक यूनिट पे 20 का, एक यूनिट पे कितने रुपए का ओआर एलोकेट होता है? 20 का। फिर पूछ रहा हूं, एक यूनिट पे कितने रुपए का ओआर एलोकेट होता है? 20 का। एक यूनिट बनता कितने घंटों में? 4 घंटे में। तो बताओ इफेक्टिवली मजदूर जब 4 घंटे काम करता है कंपनी को 20 रुपए कमा के देता है, ऐसा टेक्निकली। एक घंटा काम करता तो कितने कमा के देता है? 5 रुपए। सर एक घंटा काम, 4 घंटे काम करेगा एक यूनिट बन जाएगा, यूनिट बनेगा तो 20 रुपए के ओवरहेड रिकवर हो जाएंगे। इसका मतलब है सर मेरे पास जब मजदूर 20 घंटे काम कर रहा है, सॉरी 4 घंटे काम कर रहा है, 20 रुपए कंपनी को बचा के दे रहा है, कमा के दे रहा है, तो एक घंटे का अगेंस्ट रेट कितना हो गया? अब बताओ 1400 घंटे ही आराम को आया नहीं, ये आया ही नहीं, इस मनुष्य टुल्ले मारे, तो बताओ कंपनी को कितने का नुकसान हुआ? और 200 घंटे जो इसने हरामखोरी की है उस पे कंपनी को कितने का नुकसान हुआ? 1000। ये दोनों मिला के कितने हो गए? उसको नुकसान हुआ कितने का? 8000 रुपए का। भाई मैं अगर पूछूं 8000 का नुकसान क्यों हुआ, आप कहोगे वॉल्यूम कम प्रोड्यूस किया, यूनिट्स कम प्रोड्यूस किए। भाई यूनिट क्यों कम प्रोड्यूस हुए? भाई इस बंदे को 40000 घंटे आना था, ये बंदा आया कितने घंटे? 38600। 1400 घंटे तो मार दिए इस बंदे ने टुल्ले, तो उसमें तो कोई प्रोडक्शन नहीं हुई, उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं हुई तो उसकी वजह से कंपनी को 7000 का नुकसान हो गया। अच्छा जब ये आ गया 38600 घंटे, ही शुड हैव बीन एक्टिव। सर इसने काम कितने घंटों का किया? 38400 आवर्स का। उसका मतलब है सर मेरे पास कोई 9600 × 4 इतने घंटों का मैंने काम किया, तो 200 घंटे मैंने क्या किया टोटल हरामखोरी की, तो सर मैंने कंपनी को 1000 रुपए का क्या दिया? नुकसान दिया। अब बताओ क्या ये बात रिकंसाइल हो रही है कि 8000 का नुकसान क्यों हुआ? कोई एक्सप्लेन करेगा इसको क्यों हुआ, कैसे हुआ 8000 का नुकसान, कैसे हुआ? सर इस बंदे ने टुल्ले मारे 1400 घंटे जिसकी वजह से 7000 का नुकसान हुआ, और इस बंदे ने इनएफिशिएंटली काम किया जिसकी वजह से कंपनी को 1000 का नुकसान हुआ। तो मुझे बताओ इस 7000 के नुकसान को मैं क्या नाम दूं? कैपेसिटी वेरियंस। कैपेसिटी का मतलब आपने कैपेसिटी अनयूटिलाइज रखी, यूटिलाइज नहीं किया आपने कैपेसिटी, आए नहीं आप, टुल्ले मारे आप, मौजूद तो थी फैक्ट्री आपके पास, आप आ जाते काम कर लेते, यूनिट्स प्रोड्यूस हो जाते, 1400 घंटे तो आए ही नहीं। भाई आते तो तुम 1400 घंटे डिवाइड बाय 4 देखो कितने यूनिट बन सकते थे, 350 यूनिट बन सकते थे, तुमने मिस कर दिए 350 यूनिट। अच्छा जब तुम आ भी गए हो उसमें भी तुमने 200 घंटे क्या किए? खराब किए। 200 को जरा 5 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, सॉरी 50। इसका मतलब है 50 यूनिट नहीं बने क्योंकि हमने हरामखोरी की, और 350 यूनिट नहीं बने क्योंकि हमने क्या मारे? टुल्ले मारे। देखो टुल्ले कितने घंटों के लगे? 1400 घंटों के। एक यूनिट कितने घंटों में बनता है? तो बताओ 350 घंटे आपको नहीं लगता कि 350 यूनिट आपको नहीं लगता कि सिर्फ इसलिए नहीं बने कि ये बंदा आया नहीं? और सर जब ये आ भी गया तो उसने 200 घंटे जो है ना आराम करेगी, और एक यूनिट अगर 4 घंटे में बनता है तो इन 200 घंटों में 50 यूनिट बन सकते थे, तो टोटल कितने यूनिट्स की शॉर्टेज है? वाकई आपको नजर भी आ रहा है ऊपर कि हमने 10 की जगह कितने यूनिट बनाए, 9600। तो कोई पूछे 400 यूनिट की शॉर्टेज क्यों है, तो क्या जवाब दो? आया ही नहीं हो रहा हमको 1400 घंटे, और आ भी गया तो उसने क्या किया? अपनी जो है ना वो क्या अच्छे अल्फाजों में क्या कहेंगे, अपना टाइम बराबर किया, ठीक है जी, ऐसा। तो मुझे बताओ ये मेरे पास कैपेसिटी वेरियंस हो गया, ये मेरे पास एफिशिएंसी वेरियंस हो गया। देखो बजट में जो एफिशिएंसी कम होती है वो कहलाती है एक्सपेक्टेड आइडल टाइम हिसाब से। नहीं देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बजट में एक्चुअल जो इनपुट और आउटपुट है कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकता। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हम ये अज्यूम करते हैं कि फिक्स्ड ओवरहेड हो या कोई भी ओवरहेड हो वो सिर्फ इफेक्टिव घंटों में ही इनकर होता है। जब मजदूर इनइफेक्टिव होता है या मजदूर काम नहीं कर रहा होता, हमारी अजम्पशन ये होती है कि उसने मशीन क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो उसका मतलब ये कि सर अगर मजदूर आइडल बैठा रहेगा इसके बावजूद मशीन बंद होगी, उस उन आवर्स में मशीन का खर्चा नहीं आएगा। और ये हमने डे वन पे प्लान में भी डाला होगा कि जो हमारे फिक्स ओवरहेड्स हैं उसमें 40000 घंटे का लेबर काम करेगा, ये इफेक्टिव आवर्स है, ठीक है ना। असल में देखो प्रैक्टिकली ये जो वेरियंसेज हम निकाल रहे हैं ना, ये आज के दौर में कोई भी नहीं निकालता। मुझे लॉजिकली बताओ अंडर प्रोडक्शन का क्या सिर्फ सोल रीजन लेबर है? नहीं है ना, मे बी लेबर बैठा हो, लाइट ना हो,
ठीक है जी, मे बी सर 50,000 रीजन है, हम सारे का सारा रीजन किसको मार रहे हैं, किसको ब्लेम दे रहे हैं, लिवर, ये गलत बात है, ठीक है ना। ये असल में एनालिसिस है कोई 1980s के, ठीक है, 1980s तक लेबर एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती थी, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती थी, उसमें लेबर एक प्रोडोमिनेंट फैक्टर होता था, हम सारे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो फिक्स ओवरहेड का मसला है वो सारा उठा के डाल देते लेबर को। लेकिन यार अभी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, प्रेजेंट दौर में दुनिया में कोई भी अकाउंटेंसी बॉडी, जो अच्छी अकाउंटेंसी बॉडी है सिमर टाइप की, वो फिक्स ओवरहेड के ये वेरियंसेस नहीं पढ़ाती है, ठीक है जी। हम लोग कौन है सर, वो लोग जो 20 साल पीछे रहते हैं, ठीक है जी, हम अभी तक ये चीजें पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है, अभी लड़ झगड़ के इनसे 3 variants, 4 variants, 2 variants ये हटवाया हमने कि भाई अमेरिकन एनालिसिस है, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है जी। लेकिन ये याद रखो, हमारी अजम्पशन ये होती है कि मजदूर जब एक्टिवली काम करेगा उन्हीं घंटों में हमारे ओवरहेड्स इनकर होंगे, ठीक है जी, उन्हीं घंटों में ओवरहेड्स इनकर होंगे। और ये अजम्पशन ना सिर्फ इस चीज के लिए याद रखनी है बल्कि हमें याद रखनी है बजटिंग के लिए भी, कि जब हम बजटिंग पढ़ रहे होंगे तो वो कहेगा कि 40 घंटे लेबर ने काम किया जिसमें से 38 आवर्स उसके इफेक्टिव थे, तो हम लेबर की कॉस्ट पूरे 40 घंटों की लेंगे, लेकिन जो ओवरहेड्स है वो हम सिर्फ किसकी लेंगे, 38 आवर्स की। हम अज्यूम करें कि जो आइडल टाइम था उसके अंदर मशीन नहीं चली, ले रही, तो याद रखना ये दोनों हमेशा क्या होंगे, बजट में बराबर होंगे, एक्चुअल में क्या होगा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ सर, ये टेबल बनाना आता है, ये टेबल कैसे बनेगा सर, इनपुट 40,000 घंटे का, ये तो हमें पता है। अच्छा सर ये आउटपुट भी 40,000 घंटे का ही होगा, बजट में आए कितने घंटे, यहाँ एक्चुअल आवर्स आ जाएंगे, ये वाली फिगर निकालना लोगों के लिए अजाब बन जाता है पेपर में, ताकि कितनी सिंपल है कि जितने यूनिट्स बने चेक कर लो, एक यूनिट अगर 4 घंटों में बनता है तुमने 9600 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो टेक्निकली तुमने 38,400 घंटों का काम किया, ऐसा सर। इसको पूरा कॉपी करो ऊपर से ताकि मैं आपको इस पे मल्टीपल क्वेश्चंस कराऊं, ठीक है जी। और फिर आपको बता दूं पेपर में 16-16 नंबर के सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड इन दो वेरियंसेस के 16 मार्क्स दिए, ज्यादा दूर नहीं 2018 में, ठीक है जी। नहीं होता ना, मैं फिर रिपीट कर दूं, लेबर में लॉस होगा ना, ठीक है ना। ओवरहेड में हम अज्यूम करते हैं कि जिन घंटों में लेबर ने ठंडा रहना है उन घंटों में खर्चा भी नहीं होना है, और हम जो ये काम करते हैं ना वेरिएबल ओवरहेड्स का, हम अज्यूम करते हैं ये वो इफेक्टिव आवर है, 4 घंटे इफेक्टिव आवर, ठीक है ना। चार घंटे से एक्चुअल की बात करो ना, हाँ तभी तो वेरियंस आ रहे हैं, हमने देखो इफेक्टिवली किसके अंदर आएगा ना, एक्चुअल के अंदर तो फर्क आना भी चाहिए। देखो तुमने 38,600 यूनिट्स जो सॉरी 9600 यूनिट्स प्रोड्यूस किए 38,400 आवर्स में, ऐसे ही है ना, 38,400 600 है, इसको डिवाइड करो 9600 से, देखो तुम्हारे एक्चुअल आवर्स कितने लगे एक यूनिट को, अलग लगे, समझ रहे हो, टाइम खराब किया या टाइम जल्दी कर दिया, ठीक है ना। विच बेस्ट अकाउंटिंग बॉडी, विच इज द बेस्ट अकाउंटिंग बॉडी, सर कॉस्टिंग के लिए सिमा इज द बेस्ट 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 अकाउंटिंग बॉडी, उससे ज्यादा अच्छी कॉस्टिंग किसी में नहीं है, ठीक है ना। उसमें कॉस्टिंग के हैं जब मैं क्या बनू, नहीं नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता ना, हमारा असल में कोर्स एक बंदा डिजाइन नहीं करता ना, हमारा कोर्स पूरी कमेटी डिजाइन करती है मेहनत से जबरदस्त तरीके से, पूरी जान मार के एजुकेशन ट्रेनिंग कमेटी एक साल लगाती है, जब ऊपर जाती है तो ऊपर बैठे हुए बाबे, बाबा बोलता है इसके अंदर ओवरहेड्स कहाँ गए, अब उसकी जो है ना वो मैं मतलब क्या बोलूं उसको, हाँ बेटा आ गई लाइट, चलो जी
बढ़ जाए बेटा आगे, बढ़ जाए। पांच कैसे आया, कौन सा पांच मेरा बच्चा? 20 रुपए का ओवरहेड एक यूनिट पे एलोकेट होता है, 4 घंटे में एक यूनिट बनता है, तो बताओ इफेक्टिवली 1 घंटे का रेट क्या आएगा? 5 रुपए। यहीं से आज की क्लास शुरू हुई है, वेरी गुड। पिछले 47 मिनट से हम चम चम खेल रहे थे। सवाल ये कि सर यहीं से क्लास शुरू हुई, पहले दोबारा समझा दें, शुरू से मैंने ज्वाइन लेट किया है। बड़े आगे हम इसको नहीं, इसको हटाने का तरीका ये कि एक हम ख्याल कोई 10 लोग आए उसमें से 6 भर्ती हो जाएं और वो आके पूरा सिस्टम चेंज कर दें। मैं अल्लाह से दुआ करके बाबू को दुआ दें। आपको पता है जो आई कैप की स्टडी टैक्स है, आप आज घर जाना और अपने पास एक वेबसाइट का एड्रेस खोलना, www.icann.com/net है, वो चेक कर लेना। ICAN is Institute of Chartered Accountants of Nigeria। आपको पूरे आपके स्टडी टैक्स वहां से मिल जाएंगे, ठीक है जी, पूरे स्टडी टैक्स वहां से मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब जिस कंपनी ने ICAP का स्टडी टैक्स बनाया वो नाइजीरियन इंस्टीट्यूट के लिए स्टडी टैक्स बनाती है। उसका टोटल प्रोफाइल ये था, किस किस कैपेसिटी में ये उनको दिए गए, नोबडी कैन आंसर, ठीक है जी, नोबडी कैन क्वेश्चन दैट, ठीक है जी। और बहुत सारी चीजें खुलेंगी, इससे लगातार हम पढ़ लेते हैं। चले जी, बड़े हम आगे दोस्त। फेवरेबल अनफेवरेबल कैसे जज करेंगे? देखो यार मुझे बताओ, लॉजिकली बताओ, 40,000 घंटे एक मजदूर को आना था, आया कितने घंटे? 38,600 घंटे। 1400 घंटे उसने खराब किए, ये कभी भी फेवरेबल नहीं हो सकता। और आने के बाद उसने काम कितने घंटों का किया? 38,400 घंटे का 200 घंटे यहाँ भी खराब किए, ये भी बिल्कुल फेवरेबल। देखो मैं फिर एक बात बता दूं, मैं नहीं चाहता कि आपका जहन निशान पे जाए कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। मैं चाहता हूं यार आप लॉजिकली उसको पिक करो ताकि आपको याद ही नहीं करना पड़े। आप यकीन करो मैं बाहर दुनिया में देख रहा हूं, टेबल से लोग वेरियंसेस निकालते हैं, ये टेबल में इधर रखो या उधर रखो, अगर यहाँ ये वाला निशान आया तो एडवर्स और वो वाला आया तो फेवरेबल। एग्जामिनर क्या कहता है, वो वेरियंसेस दे देता है, कहता है बेटा काम करो, वर्क बैक करना। अब हम क्या करें, हम तो रट्टा मार के बैठे थे, निशान आएगा तो हम ये सोचेंगे, उससे तो बगैर निशान के सब कुछ दे दिया। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है जी, बिल्कुल लिख दो, बिल्कुल लिख दो सरोज, बिल्कुल लिख दो। हाँ जी, 38,600 हो ही नहीं सकता कि नहीं दिया, फिर नहीं निकल सकता ऑब्वियस सी बात। चले जी आए, जरा मुझे एक सवाल करके दे सर। इस सवाल को मैं एक दफा फिर समझा देता हूँ, यहाँ देख लें सर। एक हसीन सुबह या एक हसीन साल का पहला दिन, हमने सोचा कि हम बजट करते हैं कि जी हमारे फिक्स ओवरहेड को 2 लाख रुपए का होगा, ठीक है जी, और हमारे 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे और एक यूनिट 4 घंटों में प्रोड्यूस होता है आमतौर पर, ये हमारा स्टैंडर्ड है। तो हमने सोचा कि भाई अगर 10,000 यूनिट्स हैं, 2 लाख रुपए का फिक्स ओवरहेड है, तो हर यूनिट से मुझे 20 रुपए का ओवरहेड टेक्निकली रिकवर करना चाहिए। यानी जब मैं कॉस्ट एक यूनिट की निकालूं तो उसमें 20 रुपए का फिक्स ओवरहेड एलोकेट कर दूं। सर पूरे साल में 10,000 की जगह सिर्फ 9,600 यूनिट बने, हर यूनिट को मैंने 20 रुपए का ओवरहेड एलोकेट किया, तो जाके मेरे पास सर कोई 1,92,000 रुपए कस्टमर से रिकवर हुआ, जबकि मेरा खर्चा कोई एक्चुअल में 2,15,000 का हो गया था। तो इसका मतलब ये है कि सर मेरे पास कोई 23,000 का नुकसान आ गया। इस 23,000 का सबसे बड़ा रीजन क्या है? दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि हमने 9,600 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, विच शुड हैव बीन 10,000, और हमारा खर्चा 2,15,000 है, विच शुड हैव बीन 2 लाख। सर अगर ये 2 लाख होते और ये भी 2 लाख होते तो अमाउंट क्या आ जाता? 0 आ जाता। तो सर मेरे पास एक तो यूनिट कम प्रोड्यूस करने की वजह से लॉस, और दूसरा मेरे पास खर्चा बढ़ जाने की वजह से लॉस, ऐसा ये दोनों लॉसेस मिला के 23,000 बन रहे हैं। सर यूनिट कम क्यों प्रोड्यूस किए? क्योंकि सर 4 घंटे 10,000 यूनिट के हिसाब से मजदूर को 40,000 घंटे आना था, और 40,000 घंटे ही आना था, 40,000 घंटे इफेक्टिवली काम भी करना था। आया कितने घंटे? 38,600 घंटे आया। ये कहां लिखा हुआ सर? ये लिखा हुआ, और यूनिट उसने प्रोड्यूस किए 9,600, एक यूनिट 4 घंटों में बनता है, तो सर दिस शुड हैव बीन 38,400, यानी 38,400 घंटों के बराबर उसने काम किया। आया कितने घंटे?
तो मतलब आज भी 200 घंटे उससे क्या किए, खराब किए। तो सर मेरे पास एक घंटे का रेट 5 रुपए बनता है, उसकी वजह ये कि 20 रुपए एक यूनिट का रेट है और एक यूनिट 4 घंटों में बनता है। तो 5 रुपए का रेट मैं यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर दूँ, मुझे पता चल जाएगा 8,000 का रीजन क्या है। ऐसा दो एक सवाल आपको करने के लिए, पक्का कर लोगे? पक्का सवाल? ओके देख के सॉल्व करना। पहला सवाल बहुत बच्चों वाला, दूसरा सवाल फिर बड़ों वाला दूंगा। शुरू हो जाए मेरे बच्चों। जी मेरे बच्चों हो गया।
एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम वेरिएंस क्या क्या आ रहा है? 4000 और 4 और 12 पक्का। बाकी अब अमन नास का क्या हाल है? वही बोल गया। 4000 एक्सपेंडिचर फेवरेबल, 12000 एडवर्स। 12000 का ब्रेकअप क्या? 5600 और 6400 पक्का। 6400 कैपेसिटी है क्या? तैयार हो अब? मतलब एक तगड़ा गंदा मनु सवाल करने के लिए तैयार हो? नहीं, चलो चलो। सबसे पहले मुझे बताओ, मेरे पास OAR निकाला होगा मैंने, 120000 डिवाइडेड बाय 10000 कितने? 12 रुपए पर यूनिट। अच्छा, इसी वक्त एक काम किया करो, 12 डिवाइड बाय 3 करके ना OAR पर आर भी निकाल लिया करो, उसी वक्त निकाल लिया करो, जिंदगी आसान। ठीक है, अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए? 9000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितने? 1,08,000। 1,08,000 रुपए का ओवरहेड मैंने रिकवर किया सर। मेरा एक्चुअल ओवरहेड कितने का?
1,16,000। सर कितने रुपए का खर्चा ऐसा है जो मैं रिकवर नहीं कर पाया? अब बताओ इस 8,000 के दो हिस्से, एक्सपेंडिचर वेरियंस और वॉल्यूम वेरियंस। सबसे पहली चीज सर एक्सपेंडिचर वेरियंस, 1,20,000 का खर्चा है, मैंने 1,16,000 का खर्चा किया, कंपनी को कुछ बचा के दे दिए। दूसरी तरफ सर मेरे पास कितने, सर मैंने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने थे, बट आई मैनेज टू प्रोड्यूस ओनली 9,000 यूनिट्स, मल्टीप्लाई बाय 12, कितने 12,000 का नुकसान। इस 12,000 के नुकसान की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है सर, किन के कंधों पे? इनपुट मजदूरों के, बजट और एक्चुअल। सर कितने, 30,000 घंटे हमें आने थे और मजदूरी भी मंड के करनी थी, हम आए कितने घंटे और काम कितने घंटों का किया? सर काम हमने 9,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे कहूं 1400 घंटे तो टुल्ले मारे, यानी कैपेसिटी वेरियंस इनटू चार, अच्छा 28,600 घंटे आगे भी मैंने सिर्फ 27,000 घंटों का काम किया, 1600 घंटे मैंने वेस्ट किए। ऐसा है पक्का अश्योर? यही है बड़े सर, थोड़ा सा मुश्किल। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश शाबाश शाबाश। सारे वेरियंसेस, तीन चार सवाल ऊपर नीचे करा रहा हूं मैं, पास पेपर के इस पे एक सवाल करा रहा हूं, अच्छा तगड़ा सवाल। शाबाश जल्दी। नमाज कौन सी नमाज है भाई? असर की नमाज। कितने बजे होती है? हो गई तो अगर हम 7 बजे तक लेके जाएं तो असर हो जाएगी ना, 7 बजे भी नहीं। असर की नमाज का आखिरी टाइम क्या है? 7:10 ना यार। छह तीस तक है? नहीं यार ये झूठ बोल रहे तुम, 7 बजे तो मगरिब होगी, 6:45 पे नमाज होती है, हम 6:45 में क्लास ऑफ कर देंगे, ठीक है? आप लोग 15 मिनट चांडी हो। शाबाश। जी हो गया। जी मेरे बच्चों,
FAR1 का पेपर भी ओपन बुक होने जा रहा है, है? जी मेरे बच्चों बड़े आगे हो गया। सीएमए का ओपन बुक का क्या करना है भाई, सीएमए ओपन बुक क्या होगा? सीएमए में भी मेरे ख्याल में सब आस्ते आस्ते ओपन बुक कर देंगे, नीचे का टैक्स और ऑडिट अभी सोचा जा रहा है कि उसको ओपन बुक कर दे। बीएमबीएस ओपन बुक, बीएमबीएस तो खत्म हो रहा है ना, बीएमबीएस तो खत्म हो रहा है अभी, वो उस पे जा रहा है ना, एमसीक्यू उस पे जा रहा है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के नाम। चलो हो गया, मैं कह रहा हूं सबसे पहले मेरे बच्चों मुझे एक चीज ये बताओ, मेरे पास ओएआर कितना है? 4,20,000 डिवाइडेड बाय 20,000 कितना, कितना 21, ये मेरे पास है पर यूनिट। सर 21 को मैं 5 से डिवाइड करूं क्या आ जाएगा? 4.2 यह है पर, हाँ ठीक है। फिर मेरे बच्चों कितने यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए, करे मैंने 21,500, करे कितना आ रहा है, करे 00 पक्का? अब बताएं सर, हाँ जी एक्चुअल कॉस्ट क्या है? सर 1500 रुपए का फेवरेबल वेरिएंस, पक्का? इस फेवरेबल वेरिएंस में जो कर्ता धरता है वो एक्सपेंडिचर वेरिएंस, कितने रुपए का खर्चा आना चाहिए था? सर मेरे पास 4,20,000 का खर्चा आना चाहिए था, बट खर्चा आया कितना? 4,50 का। कितने का एक्स्ट्रा खर्चा? 30,000 का एक्स्ट्रा खर्चा, मतलब लॉस। सर दूसरा कौन सा वेरियंस? वॉल्यूम वेरिएंस। सर वॉल्यूम वेरिएंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने थे? 20, हमने कितने किए? सर ज्यादा प्रोड्यूस कर लिए, ज्यादा ओवरहेड रिकवर कर लिया, कितना ज्यादा रिकवर किया? सीधी सी बात है सर, वाकई हमें 1500 रुपए का बेनिफिट हो गया, डन। अब बनाओ मैट्रिक्स, बनाओ इसका इनपुट आउटपुट। सर मेरे पास बजट कितना? सर 20,000 यूनिट इंटू 5 घंटे 1,00,000, और अब देखो एक्चुअल में मुझे एक फिगर के लिए थोड़ी सी वर्किंग करना पड़ती, ये कितने, ये मेरे पास गिवन होंगे सर, कितने 5.25 × 21,500 कितने 1128, और सर मेरे पास 21,500 घंटे यूनिट्स इंटू 5 कितने 107,500। बताओ मेरे बच्चों हम आए कितने घंटे? सर हम 12,875 घंटे ज्यादा आए, ओवर टाइम लगाया, बेहतरीन। तुमने कंपनी को फायदा देने की कोशिश की कितना, लेकिन तुमने आने के बाद कुछ ज्यादा उखाड़ा नहीं कुछ। 1,12,000 घंटों में काम कितने घंटों का किया? 1,07,000 समथिंग का। कितने कितने घंटे वेस्ट किए तुमने? 53 बता क्या आ रही, ये नुकसान बता, इन दोनों को नेट करूं तो ये टैली हो रहा है किससे? ऐसा है पक्का, पक्का बड़े एक्स से भागे, बड़े एक्स से भागे दो एक्स, देखो मुझे एक बात बताओ, एक यूनिट 5 घंटे में प्रोड्यूस होता है, अगर एक यूनिट बना तो उसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 5 घंटों का काम हो गया, ऐसा नहीं, बजट नहीं वो स्टैंडर्ड है ना, एक यूनिट 5 घंटों में बन जाना चाहिए, इतने टाइम में एक यूनिट बन जाता, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास 1,500 यूनिट बने तो इसका मतलब है अगर काम बिल्कुल बजट के हिसाब से हुआ होता तो कितने घंटों का काम है इफेक्टिवली, आउटपुट कितने घंटों का? 1,07,500। लेकिन यार इसके लिए हमने को 1,12,000 घंटे लगा दिए,
इसका मतलब हमने 1,12,000 घंटों में इफेक्टिवली 1,07,500 घंटों का काम किया, तो इसका मतलब है मैंने कंपनी के 5,300 घंटे खराब किए, जाया किए। ठीक है जी, देखो आमतौर पर एक यूनिट 5 घंटों में बन जाता है, ये हमारा बजट नहीं होता है, ये हमारा स्टैंडर्ड होता है, हम तो बन जाते हैं 5 घंटों में, सही तरीके से अगर काम किया जाए ना 5 घंटों में एक यूनिट बन जाएगा। ठीक है, इसमें लेबर की एफिशिएंसी है। अब बताओ सर मेरे पास 5,375 घंटे ऐसे जो लेबर आया लेकिन उसने इफेक्टिवली काम नहीं किया, इनएफिशिएंटली काम किया, डन। सर ये कैपेसिटी और एफिशिएंसी वाला किस वेरिएंस का है? एफर्ज वॉल्यूम वेरिएंस का। बिल्कुल 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 रोशन, रोशन का नाम है रोहन। स्क्रीनशॉट लेना है क्वेश्चन का। एक लाख डिवाइड में 20,000 करोगे 5 घंटे आ जाएंगे, बन जाना चाहिए 5 घंटे, सीधा सीधे के अंदर 500 मल्टीप्लाई कर दो। आप उसको ये कह रहे हो कि एक यूनिट 5 घंटे में बन सकता है बजट के अंदर, तो 21,500 यूनिट जो बने उसमें इफेक्टिवली इतने घंटे लगने चाहिए थे बट हमने ज्यादा घंटे लगा दी। ठीक है, ये कर क्यों रहे हैं? एग्जाम में आता है 1,12,875 कैसे आया? थोड़ा सा मुश्किल जाओ ना गोलियां बंद होगी। ठीक है जी, 1,12,000 कैसे आया भाई? एक यूनिट पे 5.25 घंटे लगते हैं जेन्युइन एक्चुअल में लगे, तो बताओ कितने घंटों का काम हुआ है? अच्छा एक चीज नोट करना है, एफिशिएंसी और जो एफिशिएंसी और कैपेसिटी वेरिएंस है ये आपने जब निकालना है जब एग्जामिनर आपसे कहे। वॉल्यूम वेरिएंस पे आपने एग्जाम में क्या करना है? रुक जाना, वो कहे तो आपने क्या करना है? फिर ये नीचे के दो क्लासेस आपने वॉल्यूम वेरिएंस नहीं, फिक्स ओवरहेड वेरिएंस क्या है तो आपने टोटल निकाल लेना, एक्सपेंडिचर निकाल लेना, एक्सपेंडिचर वॉल्यूम निकाल लेना, कहानी खत्म। नीचे के दो वेरिएंस जो टेबल वाले हैं ये आपने कब बना के देना। चलिए अब आए जरा एक सवाल लिखे प्यारे बच्चों, बड़े स्टेप। बेटा थोड़ा सा मुश्किल सवाल यार, बाबू अल्लाह के वास्ते चुप। सर 10 मिनट का ब्रेक भी दें, उसके बाद नमाज का ब्रेक भी दें, ठीक है जी, फिर 15 मिनट जरा इसराइल पे बात भी करें, ठीक है, और फिर जो है ना कोर्स 3 महीने पहले कंप्लीट भी करा दें। बड़े मागे दोस्त से बंद कर देता हूं। अच्छा देखो एग्जामिनर ने आपको छोटा सा डाटा दिया है, बहुत ज्यादा छोटा हो गया, सर ये डाटा सुने, उससे का बजटेड फिक्स ओवरहेड इतना है, यूनिट्स इतने हैं, एक्चुअल इतना है, बजटेड आवर्स फॉर बजटेड आउटपुट 40,000, एक्चुअल आवर्स पर यूनिट इतने, उससे का एक्सपेंडिचर वेरिएंस मैं आपको खुद दे रहा हूं 50,000 का, आप मुझे बाकी के वेरिएंसेस निकाल के देंगे। ये है पास पेपर के सवाल का एक पार्ट, ठीक है जी, मैंने उसको रेप्लिकेट किया जी। ठीक है, उल्टा करो या सीधा करो चीजें निकाल के दे दो।
जी मेरे बच्चों, ये सवाल आपकी फुफ्फो ने बनाया है। जी ये मेरी बिल्कुल है, मेरी फुफ्फो ने बनाया है। हाँ जी, क्या जी, एक्चुअल नहीं दिया हुआ, नीचे एक्सपेंडिचर वेरिएंस किसके लिए दिया, ऐसे वर्कआउट करो। बजटेड और एक्चुअल का फर्क क्या है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस है तो इससे आराम से एक्चुअल निकाल सकते हो। एक्चुअल होगा 2,90,000। अब देखो थोड़ा सा मैथ्स अपनी अच्छी रखनी है, थोड़ा सा जो है वो आईक्यू अच्छा रखना और बाउंस बैक होना, ठीक है। मतलब चीज़ें गलत भी होंगी लेकिन दूसरे अटैम्प में सही कर लेना उसको, ठीक है। पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लास की बात कर रहा हूँ, क्लास की। एक्चुअल 2,90 बिल्कुल सही। जी मेरे बच्चों, बढ़िया मारे। इस सवाल में मैं आपको जनरल एंट्रीज भी बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। मैं मदीने चलो, हो गया, शाबाश 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 शाबाश। कदम और हो गया, सारे टायर सेंट बेहतरीन। बड़े आगे सर, सलाम अलैकुम। सलाम सर, जी सर,
सर मुझे सबसे पहले एक बात बताएं, मेरे पास ओ आर 240,000 डिवाइडेड बाय 10,000 कितना मेरा बच्चा? 24। पक्का 24? सुनो 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 सुनो, बताओ एक यूनिट पे कितने आर्स लगते हैं? 40,000 यूनिट, 40,000 आर्स लग रहे हैं 10,000 यूनिट्स पे, तो 4 घंटे, तो मैं सर 24 रुपए पर यूनिट है क्या? मैं 24 को 4 से डिवाइड करके 6 रुपए पर आर निकाल सकता हूँ यार? पक्का? अब बताओ सर मेरे पास कितने यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए? 11,200, हर एक को मैं मल्टीप्लाई करूं 24 से, तो बताओ कितने रुपए का ओवरहेड मेरा रिकवर हुआ है? कितना? 26। अब बताओ मेरा एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितना है? अच्छा देखिए, मेरा एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड पता है कितना है? वो निकालना बहुत आसान इस तरह है कि मेरे पास 240,000 का बजटेड ओवरहेड है और मेरा एक्सपेंडिचर वेरिएंस 50,000 रुपए का है। इसका मतलब है मैंने बजट के मुकाबले 50,000 ज्यादा खर्च कर दिया, तो एक्चुअल कितना आ गया मेरे पास? 2,90,000। ऐसे के 240 प्लस, सर मुझे बताए मेरा कितना खर्चा औकात से बाहर निकल गया? 21,200 का एडवर्स वेरियंस। अच्छा, इसमें से एक एक्सपेंडिचर वेरियंस है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना जी? 50,000। वॉल्यूम वेरियंस, सर मेरे पास यूनिट्स कितने प्रोड्यूस होने थे? 10, हुए कितने? 11,200। बेहतरीन, ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन लेड टू ओवर रिकवरी, कितनी? 28। ये फेवरेबल है क्या? ये 28,850 नेगेटिव, इन दोनों को नेट करूं तो ये कंफर्म हो रहा? अच्छा जी, मेरे सबसे पहले सवाल का जवाब सर वही इनपुट आउटपुट फिर बजट और एक्चुअल। बोर्ड पर देखना, बताओ कितने घंटे हमें आना था? 40,000। बेहतरीन सर, ये मैंने लिख दिया और ये भी मैंने लिख दिया। बताओ हम आए कितने घंटे? 4.15 एक यूनिट में मेरे घंटे एक्चुअल में लगे, मल्टीप्लाई बाय 11,200, कितने? और मैंने काम कितने घंटों के बराबर का किया? 11,200 इंटू 4, कितने? 6,480 घंटे हम ज्यादा आए। बेहतरीन, बहुत अच्छा काम किया, ज्यादा मल्टीप्लाई बाय 6, कितने? कैपेसिटी कितना? फेवरेबल भाई, ज्यादा है। आने के बाद हमने कुछ नहीं उखाड़ा, कितना काम हमने किया सर? 1680 काम सर हमने 1680 घंटे जाया किए, नुकसान कितने का? ये बात अभी समझ में, आउटपुट में स्टैंडर्ड से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? देखो बेटा, उर्दू जुबान में एक चीज सुनो, सुनो उर्दू जुबान में एक चीज सुनो, आपको पेपर के अलॉट होते हैं 3 घंटे, कितने? 3 घंटे स्टैंडर्ड टाइम है, एक पेपर में 3 घंटे में हो जाना चाहिए। आपको मैंने 10 पास पेपर दिए करने के लिए, बताओ मैं क्या एक्सपेक्ट करूं कितने घंटों में 10 हो जाने चाहिए? कितने? 30 घंटों में हो जाने चाहिए। इसका मतलब है 30 घंटों में टोटल 10 पेपर सॉल्व हो जाने चाहिए, आपने 9 सॉल्व किए, तो बताओ मैं क्या अज्यूम करूं आपने कितने घंटों का इफेक्टिव काम किया? 9 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने? 27। तो मैं क्या कह सकता हूं भाई, तुमने 27 घंटों का काम किया, सिर्फ जितना तुमने काम किया ना वो सुनन 27 घंटे में हो जाना चाहिए, तुमने लगा दिया 29 घंटे, तो बताओ तुमने 2 घंटे क्या किए? ज्यादा लगा दिए। तो भाई ये जो तुम्हारे पास ये वाला हिसाब किताब निकलता है ना, ये अल्लाह के वास्ते इसको इतना सीधा कंसिडर करो कि आपसे कहा जा रहा है भाई आपने प्रोड्यूस किए 11,200 यूनिट, हर एक यूनिट आम हालात में तरीके से काम करो, परफेक्टली काम करो, 4 घंटे में बन जाना चाहिए, तो 11,200 यूनिट जो तुमने बनाए कितने घंटों में बन जाने चाहिए थे? इसको मैं एक्चुअल से तो मल्टीप्लाई नहीं करूंगा ना, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई करूंगा कि भाई काम तुमने 11,200 यूनिट जो प्रोड्यूस किया वो 44,800 घंटों का काम है, और इस 44,800 घंटों के काम को तुमने 46,000 घंटों में कर दिया,
यानी तुमने 46,000 घंटे लगा के काम सिर्फ 48,000 आवर्स का किया, 44,000 आवर्स का किया, उसका मतलब है तुम इनफेक्टिव रहे हो, ठीक है ना, तुम इनफेक्टिव रहे हो। तुमने 46,480 आवर्स लगाए बट काम तुमने सिर्फ 44,000 आवर्स का किया, सर तुमने 1600 घंटे खराब किए, ऐसा। अब बताओ उसको मैं मल्टीप्लाई करूं 6 से तो क्या आ रहा है मेरे पास, 100080, मुझे बताओ कितने का नुकसान, नेट नेट फायदा देखो कितने का। अब मेरे बच्चों मैं अगर एक बेसिक सवाल पूछूं, वॉल्यूम वेरिएंस कब एडवर्स आता है, जब अंडर प्रोडक्शन हो, सीधी बात ना, जब अंडर प्रोडक्शन हो। मुझे बताओ कैपेसिटी वेरिएंस कब एडवर्स आता है, जब पूरी कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं की, टुल्ले मारे। एफिशिएंसी वेरिएंस कब एडवर्स आता है, सर जितने घंटे आप आए हो कम से कम उतने घंटों का काम भी करो ना, सर उससे कम घंटों का काम करोगे तो एफिशिएंसी एडवर्स आएगी, ठीक है जी। बढ़े एक स्टेप आगे, करें एक सवाल और। मैंने पूरी क्लास में आपको सिर्फ यही चीजें कराई हैं ताकि इस पर आपका हाथ पक्का हो जाए, यकीन करो। आज मैं सुबह मैंने ICW के लेक्चर्स खरीदे MSA2 पढ़ाने के लिए ना, मैंने कहा देखो जरा ICW वाले किस तरह पढ़ाते उसको। MSA2 के टोटल लेक्चर जिसमें पूरा BM और पूरा BFD कवर्ड है, 60 आवर्स के टोटल लेक्चर्स हैं अंग्रेजों के, 60 घंटे के, कितने 60 घंटे के टोटल लेक्चर है। उन्होंने 60 घंटे में पूरा BM भी पढ़ा दिया, पूरा BFD भी पढ़ा दिया। वो एक सवाल कराता है और फिर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि जो बाकी के 70 सवाल है वो आप करोगे। हमारे यहाँ 70 सवाल टीचर कराता है, एक सवाल आपको घर से करने के लिए देता है, उसमें भी आप अगले दिन आके RR करते हो कि ये नहीं हो रहा, ठीक है ना। RR बेटा रोज करो ना, बड़े हम आगे। सर एक सवाल सर प्लीज बोर्ड पे, भाई मैंने आपसे वादा किया है, 46,480 कैसे आया? सलमान यहां देख लो, मुझे एक बात बताओ, मेरे पास कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए? 11,200 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए सलमान, और वो कह रहे हैं कि एक यूनिट पे हमने जेन्युइनली 4.25 घंटे लगाए, 4.15 घंटा, कितना बनता है देखो। कितना बनता है 4.6? लॉजिकली एक चीज को क्लियर कर लो ना, ये टेबल बनाना इज वे टू इजी। कितने यूनिट बनाने थे उर्दू जुबान में, कितने बनाने थे? 10,000। एक यूनिट कितने घंटों में बन जाना चाहिए, तो इसका मतलब है 40,000 घंटे हमें आना था, 40,000 घंटे इफेक्टिवली काम करना था। ये उर्दू जुबान में सीधी बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा हम आए कितने घंटे? सर हमने असल में 11,500 यूनिट प्रोड्यूस किए और हर यूनिट प्रोड्यूस करने पर हमने 4.15 घंटा लगाया। हम आए कितने घंटे? इतने घंटे हम आए, 46,480। इसका मतलब है आप ज्यादा आए, बेहतरीन, आपने तुल्ले नहीं मारे, बेहतरीन, आपने अपने टाइम का भरपूर इस्तेमाल किया, ऐसा एक घंटे का भरपूर इस्तेमाल किया आपने। अच्छा जी, फिर भरपूर इस्तेमाल करने के बाद भी आपने सर 44,800 घंटों का काम किया आपने, मतलब सीधी सी बात है यार, मैंने देखे 15.15 आवर ज्यादा लगाए एक यूनिट पे, कितने घंटों में एक यूनिट बन जाना चाहिए था? तो जरा 0.15 को मल्टीप्लाई करो 11,500 से, ये एक्स्ट्रा लग गया आवर्स, कितना आ रहा है 1,100-1680। ये टाइम मैंने खोटी किया, खराब किया, बेकार गुम किया, ठीक है। सीधे इसे आराम से इस चीज को समझ लो, 40,000 घंटे आना था, मैं 40,000 घंटे आके 40,000 घंटों का काम करना था, मैं आया ज्यादा घंटे लेकिन काम मैंने क्या किया? कम घंटों का किया। ज्यादा आने की वजह से कैपेसिटी वेरिएंस फेवरेबल हो गया, लेकिन ज्यादा आगे भी सर मैंने लूडो खेला, कैरम खेला, दोस्तों से बातें की, सिगरेट सुट्टे, शीशा, चरस, मर जो भी है, सर मैंने 1680 घंटे खराब कर दिए। कैमरा चल रहा हमारा? नहीं चल रहा, ठीक है जी। बड़े हम आगे जी, मेरा बच्चा ये लगे ना, ये लगे, लेकिन काम इसमें इतना खास नहीं किया हमने, काम इसमें हमने किया सिर्फ 44,800 घंटे, ठीक है ना, यानी इफेक्टिव 44,800 घंटों का काम किया। अच्छा एक बात बताओ, एक बंदे ने कॉस्टिंग का पेपर 4 घंटों में किया, तो मैं क्या कहूंगा उसको?
पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप 4 घंटे बैठे, लेकिन फिर लाना था आपकी शक्ल पे, 4 घंटों में आपने क्या किया, 3 घंटों का काम किया, 1 घंटा आपने क्या किया, इनएफिशिएंटली काम किया। ठीक है जी, अच्छा जी, यार क्या ये वो चल रहा है क्या, अल्लाह माफ करे, तुम्हारे चक्कर में जलील होगा कमीने, कैमरा चल रहा था। चलो जी, सॉरी बेटा, कैमरे को हाथ ला दे जरा। अच्छा जी सर, बड़े एक स्टेप आगे जरा दोस्त, सर एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, आपने मुझे करके देना है। ठीक है जी, सवाल को जिस तरह का है कि ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं सर, भाई अब आइंदा के बाद से रोज 2 घंटे की क्लास लगा करेगी कॉस्टिंग की। सर इसमें वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों शामिल है। ठीक है जी, सर मुझे वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड दोनों के वेरिएंसेस चाहिए, मुझे पहले फिक्स ओवरहेड के निकाल के दे दो। शाबाश, दोनों जगह पे यूज करो। बेटे की वीडियो मिल गया, ये मेरे बच्चों पहले फिक्स ओवरहेड करके दे दो।
जी मेरा भाई कर लिया। जी मेरे बच्चों एक्चुअल कितना है 1.29 मिलियन। वेरी गुड जी, शाबाश। ये रिकवर्ड है, सॉरी रिकवर्ड है, ये एक्चुअल शायद 1270 आ रहा होगा, एक्चुअल 1270 है। मैं कर रहा हूं, हो गया। सर ये जो आखिरी वाला कॉलम दिया ये किस लिए दिया है? फिक्स ओवरहेड में इसका कोई लेना देना नहीं है। टोटल वेरिएंस कितना आ रहा है? नेगेटिव 20,000। चले जी आगे बढ़े, बढ़ हैं हाँ जी, मैं करा रहा हूं उसको। सर यहां देख लीजिएगा बोर्ड पे दोस्त प्लीज, देखो ये हो रहा है नहीं हो रहा है ये बता दो, हो रहा है ये सवाल हो रहा है, कितने लोगों ने खुद से कर लिया? सर ये 16 मार्क्स है वो उससे ने पास पेपर्स का, हो गया। अब्सॉर्बिड यार खिजर क्लासेस लेता है या रिकॉर्डेड ही लेता है? खिजर बैठा हुआ क्लास हो, मैं पुरा दूं। कर लिया लड़के, यार मैं तुम लोगों को नमाज का ब्रेक भी देना है, मैं गालियां दोगे मुझे। हाँ जी मैं करा दूं। अच्छा चलो सर मैं एक रस्ते पे तो बिठा दूं ना तुम लोगों। सर सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, मेरा ओआर कितना है? मेरे पास सर बजटेड फिक्स ओवरहेड कितना है? 12 लाख।
इसको मैं क्या टोटल कैपेसिटी से डिवाइड करूं या बजटेड कैपेसिटी से? सर बजटेड कैपेसिटी से कितने जी? 8000 यूनिट्स क्या आ रहा है? 150। और एक यूनिट कितने घंटों में बनता है सर? 3 घंटों। एक यूनिट कितने घंटों में बनता है? 24,000 घंटे लगते हैं 8,000 यूनिट बनाने में, तो एक यूनिट कितने घंटों में बनता होगा? 3 घंटों में। तो सर ओ आर पर आर भी निकाल लो, कितना जी? 150 डिवाइडेड बाय 3 कितना जी? पर आर। डन। अब एक बात करते हैं, बताओ एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कितने हैं भाई? कितने यूनिट आपने टोटल प्रोड्यूस किए? कितने प्रोड्यूस किए मैंने? कितने प्रोड्यूस किए बबुआ? 8,600 बोलो ना मुंह से, मल्टीप्लाई बाय 150 कितने आ रहे हैं एब्जॉर्ब्ड? 12। वो कह रहे ये एब्जॉर्ब्ड एक्चुअल से 20,000 ज्यादा है, तो ये कितना होगा? 12। इसका मतलब टोटल वेरियंस सोचते हैं, ऐसी मुंह से दे दिया आपको। इस टोटल वेरियंस के दो हिस्से, एक एक्सपेंडिचर। हाँ बाबू कितना? सर मेरे पास ये 12 लाख का खर्चा होना चाहिए था, खर्चा हुआ कितने का एक्चुअल? 1,270। कितना? 70,000 एडवर्स। फिर वॉल्यूम, जो यूनिट्स 10,000 सॉरी कितने 8,000 प्रोड्यूस करने के थे, हमने कितने प्रोड्यूस कर दिए? ज्यादा प्रोड्यूस कर दिए तो हमें फायदा हुआ, फायदा कितने का? तो क्या ये दोनों नेट करके 20,000 आ रहा है? मुश्किल था ये, क्या ये मुश्किल था? नहीं सर। अब बताएं वॉल्यूम के लिए वही टेबल, इनपुट और आउटपुट, बजट दोनों में 24,000। फिर एक्चुअल 25,000 कैंटे आए हम और हमने बनाए 8,600 यूनिट, 3 कैंटों में एक यूनिट बनता है, कितना? सर ये बेहतरीन बेहतरीन। एक तो आप आए 1,000 घंटे ज्यादा, आपके हाथ चूमने चाहिए, और 50 रुपए के हिसाब से आपने कंपनी को 50,000 का फायदा दिया। फिर आपने आके भी 25,000 घंटों में 25,800 घंटे का काम कर दिया, तो आपके तो जो है वो हाथ ही दोबारा चूमने चाहिए जी। कैपेसिटी और दोनों मिला जुला के कितने हो गए? 90,000 के 90,000 एक्सप्लेन हो रहा है। मुझे बताओ यार, आपको नहीं लगता कि सवाल ऐसा था कि मतलब कोई मुश्किल सवाल था? है मुश्किल तो नहीं लगा? चलो मैं आपको दिखाता हूँ ये आया कब है। सुनो ये आया है सर, कौन सा साल है भाई? देखो जरा तू तोड़ भाई बीच में से। सितंबर 2017 ये सवाल है सर, ये सवाल है सर। 3 और 11 और 3 कितने हो गए? 17 मार्क्स का क्वेश्चन है सर, जिसमें से वेरियंसेस के 11 नंबर है, जनरल एंट्री के 3 नंबर है, कलम करेंगे जनरल एंट्री और 3 नंबर इस पे कमेंट करने के, कि ये कमेंट करो कि ओवरहेड के वेरियंसेस मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अलग अलग क्यों है। ये दोनों चीज हम कल देखेंगे, ठीक है जी। चलो जी आप लोग नमाज पढ़ लो, मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ यहाँ पे। कितने लोगों ने ये बता दो, ये हो गया था कितने लोगों से? ये पास पेपर का सवाल हो गया था कितने लोगों से? कितने लोगों से हो गया था? हो गया था। हाँ भाई लड़के तुमसे हो गया था, आज ही तुमसे हो गया था, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारी पहली क्लास थी, तुमसे तो नहीं हुआ, फर्स्ट क्लास तुम्हारी। चलो जी थैंक यू भाई। खुर्रम अली मिराज आरिज शमशाद मुस्तकीम गुलाम रसूल ताबिश अली मलंग चलो जी थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।